फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आप लोगों को विजिट करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया टिप्स एंड आइडिया, जो कि आपकी सिलाई मशीन से रिलेटेड है और आपके लाइफ में बहुत ही काम आने वाली है। तो इसके लिए हमें सबसे पहला हमारा आइडिया क्या है कि जैसे कि हमारी जो मशीन होती है, मशीन कभी कभी क्या होता है कि इसकी निडल ख़राब हो जाती है, जैसे कि कहीं मोती वगैरह पड़ जाए अथवा कोई भी चीज़, मान लो जैसे कि कहीं पे हमारे नकुन इसकी सुई की ख़राब हो जाए, तो हम लोग फेंकें ना, हम आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं और अपना अपने यूज में ला सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे पास कैंची तो सभी के पास होती है, तो इस तरीके से ऑयल लगा लें, कैंची में ऑयल लगा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन ऑयल लगा लें और ऑयल लगाने के बाद इस तरीके से कुछ मिनट, यानी कि 30 सेकंड या 40 सेकंड तक आपको इस तरीके से बस इस तरीके से रगड़ना है और आपकी निडल एकदम नए की तरह दोबारा फिर हो जाएगी। ध्यान रखें, सूखे पे ना रगड़ें या ज़मीन की फ़र्श पे ना रगड़ें। अगर आपकी फ़र्श सही है, चिकनी है, तब तो आप रगड़ लें, अगर चिकनी नहीं है तो ना रगड़ें, नहीं तो फिर बिल्कुल निडल ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से रगड़ने के बाद आप आसानी से इसे दोबारा बिल्कुल नए की तरह चला सकते हैं। ये आसानी से चलने लगेगी और बिल्कुल ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगी। तो उम्मीद है कि ये आइडिया आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ये हमारा मशीन से रिलेटेड था। अगर मशीन में जैसे कि हमारी जब सिलाई चलने पर कपड़ा खींचने लगता है, धागे से खींचने लगते हैं, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन आइडिया है और ये 10 रुपये कम से कम आपके बच जाएंगे अगर आप ये आइडिया यूज करेंगे। तो उसके बाद क्या है, जैसे कि हमारी कैंची, क्या होता है कि हम सान रखाने जाते हैं और 10-15 दिन में ही ये कैंची हमारी छोड़ने लगती है, कपड़ा जब काटते हैं तो कहीं कहीं पे छोड़ जाती है। तो हमें क्या करना है, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, ये है हमारे पास निडिल, देख लें फ्रेंड्स, ये निडिल है, ये हमारी कुछ इस तरीके से हमें कर लेना है, इस पर ध्यान रखें, इस तरीके से हमें कर लेना है। तो हमारी काफ़ी हद तक हमारी कैंची अच्छे से वर्क करने लगेगी और उसके बाद अगर इससे भी काम ना चले तो आपको इस तरीके का पेंचकस ले लेना है, सभी के पास होता है, जो भी मशीन चलाते हैं उनके पास ये पेंचकस ज़रूर मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से कर लें, बस चंद मिनट कर लें, एक मिनट ज़्यादा 30 सेकंड, 1 मिनट इस तरीके से कर लें, तो आपकी कैंची अच्छे से वर्क करने लगेगी। तो उम्मीद है कि ये आइडिया मेरा आपको अच्छे से पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। लेकिन अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया होगा तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी माताएं बहनें भाई वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और नेक्स्ट स्टेप हम आपको बताने वाले हैं, एकदम बहुत ही बेहतरीन आइडिया, बहुत ही शानदार धांसू आइडिया। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देख सकते हैं ये हमारे पास फोम है जो कि सूट में अथवा साड़ियों में आसानी से मिल जाता और आसानी से निकलता है। तो हमें क्या करना है, हम आपको एक गजब का आइडिया बताने वाले हैं, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है और इसे बस सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। तो देख सकते हैं ये हमारे पास फोम है, तो इसे हमें क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड कर लें, आप अपने अनुसार गोल भी कर सकते हैं और ऐसा बॉक्स आपको लेना है, देख सकते हैं इस तरीके का बॉक्स आपके पास होना चाहिए, इस तरीके का नहीं तो गोल होना चाहिए, जो भी जैसा भी साइज हो उसी साइज़ की हमें ये काट के और कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है। ध्यान रखें गाइस, इस तरीके से आपको फोल्ड करनी है और इसे इस तरीके से इसमें आसानी से बैठा लेनी है, ये आराम से बैठ जाती है, कोई दिक्कत भी नहीं है और ये आसानी से बैठ जाएगी और इस तरीके से बॉक्स बंद भी हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी सुइयां होती हैं, कभी कभी आपके पास भी होती होंगी, कभी बड़ी होगी, कभी छोटी होगी, हर तरह की निडल आपके पास भी मिल जाती हैं, वैसे ही हमारे पास भी होती हैं। और क्या होता है, ये अगर इनकी केयर ना कर दे खो जाती हैं, फिर आप ढूंढते रह जाओगे और मिलेंगी नहीं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ये सोख्ता फिट कर लेना है जैसे कि हमने करके दिखाया, उसके बाद आपको जैसे जैसे चाहें उस तरीके से आप इस तरीके से इन्हें इसमें सेट कर लें, आसानी से ये सेट हो जाएंगी, छोटी छोटी सुई, बड़ी सुई, जितनी भी बड़ी चाहें उतनी बड़ी और जितनी छोटी चाहें जितनी छोटी आप निडल इस तरीके से लगा सकते हैं, इसमें आसानी से ये लग जाती है और हमारी ये निडल कुएंगी भी नहीं और जब मर्जी आए तब आप इसमें से निकाल सकते हो। इस तरीके से आप इसे पैक कर दो, ना ये टूटेंगी, ना तिरछी होंगी, ना कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, जब मर्जी आए
टेस्ट आप इसमें निकाल सकते हो, बस बच्चों के हाथों से थोड़ा दूर रखें तो ये हमारी आसानी से हमेशा बनी रहेंगी और इनकी नखून भी खराब नहीं होगी। अगर आप कहीं भी गुस्त देंगे तो क्या होता है कि इनमें जंग सी आ जाती है, लेकिन इसमें कभी भी जंग नहीं आने वाली, ये हमेशा ऐसे ही लगी रहेंगी। तो कमाल का आइडिया है, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपकी लाइक की वजह से ही हम ये वीडियो बनाते हैं। तो अब और हम एक नया आइडिया आपको बताने वाले हैं जो कि और भी धमाकेदार है। तो क्या है कि एक तो हमने आपको ये बता दिया, उसके बाद अब दूसरा आपको बताने वाले हैं, वो भी एक कमाल का आइडिया है। तो बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें और इसे लाइक अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक का आप पर लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं पड़ता है, बस फ्री में हो जाता है, लेकिन हमारे लिए आपकी एक लाइक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास ये जैसे कि निडल हमारे पास होती हैं, हम इस तरीके से डिब्बे में डाल देते हैं और क्या करते हैं उसके बाद उसमें ही इसमें धागा भी इस तरीके से हम डाल देते हैं। सभी ऐसा ही करते होंगे, आप भी करते हैं और हम भी करते हैं, तो इस तरीके से डाल देते हैं। तो क्या होता है कभी कभी तो हमारे ये धागा तो बचा रहता है लेकिन ये निडल है धीरे धीरे खो जाती है। जैसे कि हमने इस तरीके से की और ऐसे करके अगर मुड़ी मुड़ाई तो पता लगे कि कहीं इधर से निकल गई कहीं इधर से निकल गई, तो हमारी ये निडल गायब हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, एक कमाल की जुगाड़ हमारे पास है, उम्मीद है कि आपको भी मालूम होगी, लेकिन ये है, इसका नाम है चुम्बक, इसे चुम्बक बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसमें डाल देंगे ताकि उसके बाद हम धागा वगैरह सारा कुछ डाल दें, कोई दिक्कत नहीं, और ये आसानी से हमारी ये सुइयां तो गायब होने से रहीं, फिर हमारी सुइयां कभी भी गायब नहीं होंगी। और जब मर्जी आए वही निडल आप इस तरीके से निकाल लें और निकाल के यूज कर लें, उसके बाद इसमें डाल देंगे वैसे ही एकदम इसमें चिपक जाएगी। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये आइडिया हमारा भी पसंद आया होगा, अगर प्लीज़ पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है। तो जो भी माताएं बहनें भाई वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।